फ्रेंड्स, क्या आपके एग्जाम को भी लाइव नेशनल टीवी पर दिखाया जाता है, या एग्जाम के दौरान आपके स्कूल के नीचे भी एम्बुलेंस खड़ी होती है? वेल, अगर आप चाइना से हो तो ये सब होता होगा, क्योंकि चाइना में होने वाले गाओकाओ एग्जाम दुनिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक है। लेकिन वो एग्जाम कम, नेशनल इवेंट ज्यादा लगते हैं, जिसके लिए प्रिपेयर करते वक्त बच्चे लिटरली ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा के दिन रात पढ़ाई करते हैं। और क्या ये एग्जाम असल में इतना डिफिकल्ट है कि बच्चे इस हद तक चले जाते हैं? वेल, ये तो आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस लिस्ट में इंडिया के भी कई टेस्ट शामिल हैं, जैसे कि IIT का एंट्रेंस एग्जाम यानी कि JEE, जिसके लिए हर साल 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। लेकिन IIT में सिलेक्ट होते हैं सिर्फ 1% से भी कम लोग। बट गाओकाओ एग्जाम या JEE का एग्जाम दुनिया की टफेस्ट एग्जाम फिर भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, क्या लगता है कि दुनिया की टफेस्ट ऑफिशियली एग्जाम कौन सी होगी? सो फ्रेंड्स, चलिए पता करते हैं। Kickstart Learning. So friends, which is the toughest exam in the world? अगर आपने UPSC कहा तो नहीं, UPSC is on number 2. पहले पे कौन है? Who's on number 1? अच्छा चलो, एक हिंट देता हूँ। दुनिया की सबसे toughest exam में last 40 साल में 229 लोग ही select हुए हैं, यानी कि पास हुए हैं। Can you believe that? So friends, अगर आपको भी इस exam के बारे में जानना है तो अंत तक बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अलग अलग देशों के एग्जाम्स को कंपेयर करके जानेंगे कि who has the toughest exam in the world। और भाई लोग, हमारा सबसे पहले मैच होगा, कंपैरिजन होगा इंडिया वर्सेस चाइना, यानी कि ओरिजिनल वर्सेस फेक, यानी कि JEE वर्सेस IIT। इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है, जहां की 13,000 सीट्स पाने के लिए हर साल करीबन 10 लाख बच्चे JEE का एग्जाम देते हैं। वहीं हम गाओकाओ की बात करें तो वो चाइना के किसी भी यूनिवर्सिटी में भर्ती होने के लिए जनरल एंट्रेंस एग्जाम है। हर साल लगभग 10 करोड़ बच्चे देते हैं। अब ये दोनों एग्जाम्स दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स की लिस्ट में आते हैं, लेकिन दोनों में से सबसे ज्यादा टफ कौन सा है? वेल, अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो JEE इंजीनियरिंग एग्जाम है, जिसकी वजह से JEE देने वाले स्टूडेंट्स को PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। पर गाओकाओ में स्कोप ज्यादा है, यानी साइंस ऑप्शनल है। तुम उसके बदले में वो सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो जिस फील्ड में तुम्हें जाना है, और लैंग्वेजेस का पेपर एसेज लिखना कंपलसरी है। और फिर चाहे तुम साइंस ले लो या दूसरे सब्जेक्ट्स, पर दोनों ही एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा है, और इसीलिए बच्चों को इन एग्जाम्स में पास करवाने के लिए पूरा का पूरा शहर भी डेडिकेटेड हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोटा शहर की, जिसे हम JEE का ट्रेनिंग हब भी कहते हैं। यहाँ JEE के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चों को कोचिंग क्लासेस, हॉस्टल्स, PG सब कुछ मिल जाएगा, जिसकी वजह से पूरे का पूरा शहर का एनुअल टर्नओवर होता है करीब 1500 करोड़। और कोटा की तरह चाइना में भी एक सिमिलर शहर है, यहाँ हर साल बच्चे गाओकाओ की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इस शहर का नाम है माउंटेन चैंग, जिसका एनुअल टर्नओवर होता है पूरे सैकड़ों करोड़ों में। लेकिन इतनी ट्रेनिंग के बावजूद भी IIT में सिर्फ उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जिनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 5,000 से 10,000 के बीच में हो। और अगर तुम पास होने के बावजूद भी IIT में नहीं जा पाए तो भी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो JEE पास करने वाले बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। यहाँ तक कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करती है जिन्होंने सक्सेसफुली JEE को क्लियर किया हो। गाओकाओ के केस में हालत थोड़ी सी अलग है। बेसिकली किसी स्टूडेंट को चाइना के फेमस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जाना हो तो उन्हें आसमान छूने वाले मार्क्स लाने पड़ते हैं, वरना उन्हें फिर छोटे छोटे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता है। यहाँ तुम्हारे मार्क्स तो नहीं, पर उनकी फीस जरूर आसमान छूने वाली होती है। और इसलिए गवर्नमेंट कट ऑफ जितने स्टूडेंट से मार्क्स नहीं ला पाए, फिर या तो उन्हें नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए गिव अप करना पड़ेगा। और इसी चीज के कारण कई बच्चे एग्जाम को अटेम्प्ट भी करते हैं पास होने की या फिर उनके पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जाने की, पर इस चीज की वजह से बच्चों पर इतना प्रेशर आता है कि वो सब कुछ छोड़कर 12-12 घंटे सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं और अपनी सेहत तक को भी दांव पर लगा देते हैं। अब 2012 में आए हुए इस वीडियो को ही देख लो, यहाँ गाओकाओ के लिए पढ़ते वक्त बच्चे IV इंट्रावेनल इंसुलिन लगाकर पढ़ रहे हैं, और कई केसेस में तो बार बार अटेम्प्ट करने के बाद भी बच्चे फेल हो जाते हैं या एग्जाम में कम स्कोर करते हैं। जैसे 2014 में गाओकाओ में कम मार्क्स आने के कारण एक 18 साल के स्टूडेंट ने किया, उसने खुद की जान ले ली। आखिर क्यों
करते हैं बच्चे का सुसाइड। और इंजीनियरिंग या JEE वाले स्टूडेंट्स की कहानियां तो हम हमेशा ही पढ़ते रहते हैं, जो आपको न्यूज पोर्टल वाले ही बेहतर तरीके से बता देंगे। अब फ्रेंड्स, ये सब सुनने के बाद भी अगर आप जानना चाहते हो कि JEE या गाओ गाओ में सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है, तो वेल अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस UK यानी कि क्लैट या फिर क्लैट वर्सेस NLET की रिंग में इंडिया की ओर से क्लैट जो इतना टफ है। इसके थ्रू तुम्हें इंडिया के बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस में एडमिशन यूं चुटकियों में मिल जाएगा। लेकिन हमारे मैच के दूसरे खिलाड़ी को कम मत समझना, क्योंकि UK के NLET को पास करने से तुम्हें UK के साथ साथ तुम्हें दुनिया भर के 9 बड़े बड़े लॉ यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन मिल सकता है। वो ये मैच तो शुरू ही इसलिए हुआ है कि NLET का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है, पर क्या इंडिया का क्लैट पासा पलट सकता है? सो NLET के अंडर ग्रेजुएट पेपर में आते हैं पूरे 40 क्वेश्चंस, और पोस्ट ग्रेजुएट पेपर में भी आते हैं पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस, जिसके लिए लिखने का टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 45 मिनट्स ही है। और इस पर क्लैट नहीं रुका, अब मैच में लाया है एक नया ट्विस्ट यानी कि नेगेटिव मार्किंग, जिसमें हर गलत आंसर के लिए कटेंगे 0.25% मार्क्स। तो आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। सो ये तो चलो प्रूफ हो गया कि हु इज टफर, लेकिन फ्यूचर में शायद क्लैट NLET से फिर एक बार कम्पीट करेगा और तब जीतेगा भी, क्योंकि अब एग्जाम को और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है, जिसके लिए क्लैट कॉम्प्लेक्स रीडिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग और लॉजिकल रीजनिंग पर ज्यादा फोकस देके मैथ्स पर कम फोकस देने वाला है। यानी अब सिर्फ रट्टू तोता बनकर पास हो नहीं होना होगा, यहाँ पर लॉजिक को भी अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं दुनिया के टफेस्ट एग्जाम की ओर, जो कि है UPSC। और UPSC को दुनिया का सेकेंड टफेस्ट एग्जाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर साल करीबन 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स UPSC के एग्जाम में कम्पीट करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1000 सीट्स के लिए। यानी इस एग्जाम का पासिंग रेट हो जाता है 0.1 से 0.3 के जितना। और जैसे आपको पता है, एग्जाम को ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट करती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जैसे डिपार्टमेंट्स में लोगों को भर्ती करवाने के लिए। तो आप जानते हैं कि UPSC आखिर इतना टफ क्यों है? बेसिकली इसमें होते हैं 3 राउंड्स। पहले राउंड को कहा जाता है प्रीलिम्स, जिसमें 2 जनरल टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स होते हैं, और उसमें जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो पहुंचते हैं एग्जाम के सबसे हार्ड लेवल पर। यहाँ 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, करंट अफेयर्स, इन सारे सब्जेक्ट्स के रिटन पेपर होते हैं। ज्यादातर लोग इसी लेवल पर आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम उन लकी बच्चों की लिस्ट में हो और पास हो जाते हो, फाइनली तुम पहुंच जाओगे आखिरी लेवल पे, जो होता है इंटरव्यू राउंड, जिसमें बैठा हुआ पैनल तुम्हारे पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, अवेयरनेस और लॉजिक सबको टेस्ट करेगा। यानी इन शॉर्ट, तुम्हें UPSC में पास होने के लिए तुम्हें हर सब्जेक्ट्स के बारे में एक स्टैंडर्ड नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट्स पर और सारे करंट अफेयर्स पर तुम्हें टेस्ट किया जाएगा। अब समझे, एवे UPSC को कोई वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम नहीं कहा जाता। और फ्रेंड्स, आ चुकी है वो घड़ी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए जानते हैं दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है। वेल, वो है मास्टर सोमेलियर डिप्लोमा एग्जाम। लेकिन एक मिनट भाई, ये किस चिड़िया का नाम है? बेसिकली दुनिया की ये सबसे टफेस्ट एग्जाम देकर तुम बन जाओगे एक वाइन एक्सपर्ट। पिछले 40 साल में UK में शुरू किया गया था ये एग्जाम, और इस एग्जाम को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीजन ये था कि इससे वाइन सर्विस और फूड सर्विस इंप्रूव होगी। लेकिन आज तक इन 40 सालों में 229 लोग ही पास हो पाए हैं, और मोस्टली कैंडिडेट्स 5 से 6 अटेम्प्ट्स ही ट्राई करते हैं। इसके बाद वो भी हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई हमसे ना हो पाई, पर आखिरी वाइन टेस्टिंग करने में भी इतनी कौन सी खास बात है? सिर्फ गिलास को थोड़ा गोल गोल घुमाओ, वाइन को सूंघो और मस्त गार्गल करके पी जाओ। और वेल, जैसा दिखता वैसा नाश्ता, यानी जैसा सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। इसमें तुम्हें सिर्फ वाइन ही नहीं पीनी पड़ती, बल्कि इस एग्जाम के 3 राउंड होते हैं जो ऑलमोस्ट 3 सालों तक चलते हैं। और इसका पहला राउंड होता है थ्योरी का,
वो जिसमें आपको वाइन्स की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स सब लिखना पड़ता है। और दूसरे राउंड में आता है सर्विस, जहां ये देखा जाता है कि आप वाइन को किस तरह सर्व करते हो। फिर आता है तीसरा राउंड, जहां पहुंचकर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस राउंड को कहते हैं ब्लाइंड टेस्टिंग, जिसमें कैंडिडेट्स को आंखों पर पट्टी बांधकर अलग अलग वाइन्स को टेस्ट करना पड़ता है, लेकिन टेस्ट करके उन्हें कौन सी वाइन है ये भी बताना पड़ता है। लेकिन उस वाइन का ब्रांड, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, कौन से देश से आई है और कौन से साल में बनाई गई थी, ये सब भी बताना पड़ता है। नो वंडर ये वाले राउंड में भी सब बाहर निकल जाते हैं। पर फ्रेंड्स, फिर भी हम ये तो तय नहीं कर पाए कि किस कंट्री का एग्जाम टफेस्ट है। वेल, किसी भी एक एग्जाम को टफ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2020 में हर घंटे में एक स्टूडेंट ने पढ़ाई के प्रेशर में आने के कारण सुसाइड किया था। हर घंटे में एक जान गई। लेकिन क्यों लेते हैं लोग इतना प्रेशर? क्योंकि सोसाइटी, फैमिली और स्कूल्स बच्चों पर इतना प्रेशर डालते हैं। एक कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन चालू हो जाता है, एक रेस शुरू हो जाती है, जिसमें बच्चों को घोड़ों की तरह भागते रहना है। अच्छे स्कोर्स लाओ, अच्छे रैंक्स लाओ, अच्छे कॉलेजेस में जाओ। सो वेल, मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चे को एक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उन्हें उनकी डेस्टिनी को क्रिएट करने का मौका दे। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड डोंट फॉरगेट अबाउट किकस्टार्ट लर्निंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।